आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इन केस अगर आपके पास इनमें से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मैंने वीडियो में उसका अल्टरनेटिव भी बताया है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। और अदर देन दिस जो मैं आपको यू नो अभी बताना चाहूँगी इज़ बहुत सी चीज़ें होती है जिसके वजह से नो धीरे 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 करके हमारा जो बाल है या फिर जो भी गलत चीज़ें हम फॉलो करते आए हैं बचपन से लेके आज तक, उसकी वजह से बहुत सारी इफ़ेक्ट्स आपको बाद में दिखते हैं। अभी नहीं, लेकिन वो कभी ना कभी आपको दिखेंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बिल्कुल भी गर्म पानी से नहाइए मत। उससे क्या होगा, आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ही चला जाएगा, आपके बाल बिल्कुल ड्राई लगने लगेंगे, विच इज़ अ वेरी बैड सिम्टम। सेकेंड थिंग, ऑलवेज कंडीशन योर हेयर। मतलब ये तो हर कोई कहता है आपसे, नॉट अ न्यू थिंग, बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज ट्राई दिस ऑर्गेनिक कंडीशनर विच इज़ फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। आई नो मैं ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा कहती हूँ, उसका यू नो एक ऐसी चीज़ है उसके पीछे, क्योंकि इतने सारे हम केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड एट सम पॉइंट यू नो एट सम पॉइंट आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स दिखेंगे, मतलब दिखेंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऑर्गेनिक चीज़ों से यू नो आप उसको स्टॉप कर दोगे, नहीं, इसमें भी कुछ हद तक केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अगर एक चीज़ को आपको 2 साल तक यू नो उस बॉटल में स्टोर करना है तो उसमें कुछ तो केमिकल चीज़ एडिड है, ये चीज़ हमको पता है। बट वो कुछ ऐसी चीज़ एडिड है जिससे आपको कम नुकसान है, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज़ माई वेरी 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 हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, डू ट्राई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, योर ऑर्गेनिक लिपस्टिक्स, ऑर्गेनिक मेकअप, वट एवर यू कैन फाइंड ऑर्गेनिक, जस्ट गो विद द नेचुरल थिंग। तो ये जो कंडीशनर है वो है जस्ट हर्ब्स का वाटर लिली, आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन, डू ट्राई इट, डू यू नो जस्ट यूज इट फॉर वंस एंड यू विल थैंक मी लेटर फॉर श्योर। सो अदर देन दिस, आजकल ये जो टैप वाटर्स है या फिर ये जो बोरिंग का पानी है, इससे भी यू नो बाल बहुत जल्दी झड़ने लग जाते हैं, स्पेशली इन मुंबई पुणे थिंग या जो भी कह लो। मैंने बहुत सुना है इस चीज़ के बारे में कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं है इसलिए बाल खराब होते जा रहे हैं। ओके, अभी इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से तो एक ही सोल्यूशन है, व्हाट यू कैन डू इज टेक फिल्टर वाटर। ओके, जैसे आपका नहाना हो जाए, जैसे आपके बाल धोने हो जाए, एक बॉटल में या फिर जो वॉट एवर थिंग यू आर कम्फर्टेबल विथ, टेक दैट थिंग टू योर बाथरूम। जैसे ही आपका नहाना हो जाए, उस फिल्टर्ड वाटर को जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसे अपने बालों में ऊपर से नीचे तक डाल दीजिए। लाइक जैसे हम रिंस करते हैं बालों को, बिल्कुल उसी तरह से वो पानी पूरा ऊपर से नीचे तक डाल दीजिए। वॉट विल हैपन इज़, अगर आप गर्म पानी से नहा भी रहे हो, अगर वो ज़्यादा गर्म नहीं लेकिन जो भी है, क्योंकि हम गर्म पानी से ही नहाते हैं यूजुअली, अगर उससे आप नहाते भी हो तो क्या होगा, इस ठंडे पानी से या फिर ये जो पानी जो फिल्टर का जो हम यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, द मॉइस्चर विच इज़ देयर इन योर हेयर दैट विल गेट लॉक्ड। ओके, मॉइस्चर लॉक करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे जो बाल है वो, अक्सर आपने देखा होगा जब हम बाल धोते हैं उसके बाद में बाल ऐसे से ऐसे हो जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, वो जैसे झाड़ू जैसे जैसे कहते हैं ना, वैसे हो जाते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आई नो दिस थिंग वेरी वेल, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। इट लुक्स वेरी बैड, वेरी 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 बैड। सो जस्ट टू अवॉइड दिस थिंग, देर इज़ वन सोल्यूशन, आप फिल्टर का पानी लीजिए, आप उसे जैसे ही आपका हेयर वॉश करके हो जाए, उससे सबसे पहले अपने बालों पर ऊपर से नीचे तक डाल दीजिए, बस, और कोई सोल्यूशन नहीं उस चीज़ का। उससे आपका फ्रिजीनेस बिल्कुल नहीं आएगा, योर हेयर विल लुक मोर ब्यूटिफुल, इट विल लुक मोर ग्लॉसियर, इट विल लुक मोर शाइनियर। एंड येस, दैट्स ऑल, आई थिंक ये सब चीज़ यू नो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। एंड आई होप हो टेक अ गुड केयर ऑफ योर स्किन, डू लव योर स्किन, डू लव योर बॉडी, डू लव योर हेयर्स, जस्ट यू नो पैम्पर देम, लव माई वीडियोज एज वेल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।